हाल ही में ह्यूंडई ने अल्काज़ार एसयूवी को लॉन्च किया है। इस एसयूवी क्रेटा से बड़ी और 6-7 सीटर विकल्प में लाई गई है। ह्यूंडई अल्काज़ार को भारत में 16.30 लाख रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है। ह्यूंडई अल्काज़ार कंपनी की ही K2 डिजाइन प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसी प्लेटफॉर्म पर ह्यूंडई क्रेटा का भी निर्माण किया जाता है। भारतीय बाजार में ह्यूंडई अल्काज़ार को सीधे तौर पर टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस को टक्कर देती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ह्यूंडई अल्काज़ार अपनी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कैसी माइलेज देती है। आइए डालते हैं एक नज़र। ह्यूंडई अल्काज़ार दो इंजन विकल्प में लाई गई है, जिसमें 1.5 लीटर डीजल और 2.0 लीटर डीजल इंजन शामिल है। दोनों इंजन को 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में उपलब्ध किया गया है। इसका 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन 159 bhp का पावर और 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि 1.5 लीटर डीजल इंजन 115 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करती है। अब आते हैं पेट्रोल इंजन में। ह्यूंडई अल्काज़ार 2.0 लीटर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि माइलेज है 14.5 किलोमीटर पर लीटर, 6 स्पीड ऑटोमेटिक 14.2 किलोमीटर पर लीटर। अब आते हैं MG हेक्टर प्लस पे। 1.5 लीटर का ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिसका माइलेज है 14 किलोमीटर पर लीटर, और 6 स्पीड DCT CVT का माइलेज है 11.6 किलोमीटर पर लीटर। अब रुख करते हैं डीजल इंजन की तरफ। ह्यूंडई अल्काज़ार 1.5 लीटर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसका माइलेज है 20.4 किलोमीटर पर लीटर, और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसका माइलेज है 18.1 किलोमीटर पर लीटर। MG हेक्टर प्लस, जिसका 2.0 लीटर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज है 16.56 किलोमीटर पर लीटर। वही टाटा सफारी 2 लीटर का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज है 16.14 किलोमीटर पर लीटर, और वही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का माइलेज है 14.08 किलोमीटर पर लीटर। पेट्रोल मॉडल में ह्यूंडई अल्काज़ार का 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 14.5 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है, ये सेगमेंट में सबसे अधिक माइलेज देता है। वहीं डीजल इंजन में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वेरिएंट 20.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस को पीछे छोड़ती है।